जाएगा। ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, वहां से मैंने निकलवाई। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी। जब वो यहाँ ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, ये दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। क्या होता था, यहाँ गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार मिलते थे और वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे, उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, वो गुरुकुलों को चलाया करते थे।